झरिया के बिहार बिल्डिंग स्थित कार्यालय में भाजपा प्रत्याशी रागिनी सिंह की अध्यक्षता में एनडीए घटक दलों के पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान एनडीए समर्थित भाजपा झरिया प्रत्याशी रागिनी सिंह के वर्तमान झारखंड सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधते हुए कहा कि 5 वर्षों के अंतिम दौर में मिलीजुली भ्रष्ट गठबंधन सरकार को राज्य की गरीब माताओं बहनों की अब याद आई है। अपने आखिरी दिनों में वर्तमान झारखंड सरकार फर्जी लुभावने वादे का पिटारा खोलकर झारखंड की भोली भाली जनता को सिर्फ गुमराह करने का काम कर रही है। झरिया विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों से सिर्फ हत्यारे, भ्रष्टाचारी और गुंडे मवालियों का विकास हुआ है। झरिया की जनता बिजली, पानी, सड़क जैसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित रही है, लेकिन वर्तमान कांग्रेस विधायक कहीं नजर नहीं आई। अब चुनाव के समय वो भी गली मोहल्लों की खाक छान रही है। आप सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आधे घंटा बैठाई है आपकी।